हाय एवरीवन, दिस इज़ तस्कीन खान और आप देख रहे हैं वाओ टीवी। कल मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत टाइम के बाद एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट पे खाना खाने के लिए गया हुआ था। अब वेदर चूँकि गर्म है तो हमने प्रेफर किया कि हम बाहर बैठ जाते हैं, ठीक है। और वो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट जो है वो एक जो पाकिस्तानी ओनर है उनकी इतनी मोहब्बत है पाकिस्तान के साथ कि उन्होंने जो फ्रंट जहाँ नाम लिखा होता है रेस्टोरेंट का उनके बिज़नेस का, तो उसके ऊपर पाकिस्तानी झंडा भी लगाया हुआ है। तो अच्छा, हम खाना खा रहे हैं तो हमने सोचा कि बाहर बैठ जाते हैं। तो हम बाहर बैठ के खाना खा रहे थे फ्रेश एयर में, तो हमारे बिल्कुल पीछे कुछ पाकिस्तानी नौजवान बैठे हुए थे और एक नौजवान जो है वो मुसलसल पाकिस्तान के हालात के ऊपर बात कर रहा था। और मुझे नहीं, मेरी फैमिली ने भी शायद सुना हो, लेकिन मैंने अपनी फैमिली को बताया, मैं कहा देखो ये लड़का जो है ना थ्रू आउट पाकिस्तान के मामला को डिस्कस कर ही जा रहा है नॉन स्टॉप। हालांकि ठीक है, लोग सियासत में भी बात करते हैं या अपनी बातें भी करते हैं जब बाहर सोशलाइज करते हैं या ईटिंग आउट करते हैं, लेकिन वो बेचारा जनाब पाकिस्तान में इमरान खान पे, पाकिस्तान आर्मी पे और हालात पे, और जैसे बिल्कुल एक तजिया नगार होता है। इट वॉज़ क्वाइट इम्प्रेसिव बेसिकली जिस तरह वो नौजवान बात कर रहा था। और मैं उसका थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दो चार दफ़ा देखा शीशे के अंदर, क्योंकि मैं पीछे गर्दन घुमा के तो उसको डिस्टर्ब नहीं था करना चाहता, बताया उनकी अपनी प्राइवेसी थी। लेकिन वो मुसलसल बेचारा बोलता जा रहा था और तीन चार शायद आई बिलीव कि उसके साथ और दोस्त भी थे शुरू में, तो वो शायद हम सुन रहे थे और जैसे असबात में सारे लाते हैं या बातें कर रहे थे। बाद में एक नौजवान को देखा, वो बिल्कुल ऐसे खामोश बैठा हुआ है, जैसे सुन हो गई है ऐसे, वो बिल्कुल कोई रिएक्शन नहीं था दे रहा, ही वाज जस्ट लिसनिंग, ऑल ऑफ देम वर लिसनिंग। लेकिन बात ये होती है कि अब आप देखें कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, कहना शायद मैं ये चाह रहा हूँ कि उनके जो मौजू में बहस होता है, मैंने काम पे भी देखा है जो अपने पाकिस्तानी दोस्त हैं वो व्हाट्सएप पे या जब भी आमने सामने आए तो पाकिस्तान की ज़रूर बात करते हैं। तो ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं वो हर वक्त किसी न किसी तरह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पाकिस्तान के हालात को डिस्कस करते हैं या करना चाहते हैं, ठीक है जी। अब पाकिस्तान में ख्वाजा आसफ़ ने, मैं उनकी एक तकरीर सुना था, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और सीनियर सियासतदान है, उन्होंने शायद बड़ी वो कोई कॉन्ट्रोवर्शियल बात कर दी कि पाकिस्तानी जो हैं वो सिर्फ अपने जो मुर्दे होते हैं उनको दफनाने के लिए पाकिस्तान जाते हैं, तो अदरवाइज़ उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। हालांकि इसी हुकूमत ने बोला है कि अगर कोई आप इतने पत्नी 50,000 पाउंड डॉलर जो हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं तो फिर आपको पत्नी क्या क्या सहूलतें मिलेंगी, आपको जनाब को स्पेशल पासपोर्ट मिल जाएगा, एयरपोर्ट पर लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा, कुरानदाजी में आपका नाम आ जाएगा, फिर ये सहूलतें होंगी, इवन आपको असले का लाइसेंस मिल जाएगा। बड़ा कुछ देने के लिए तैयार हैं ओवरसीज पाकिस्तानीज को, लेकिन पाकिस्तानी जो हैं उनको वोट का हक नहीं देना। तो लेकिन पाकिस्तानी मैं आपको बताऊं कि परेशान है। लेकिन आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे वो 23 करोड़ भेड़ बकरी हैं, ठीक है जी। वो ये नहीं कि अभी जो पाकिस्तान में हालात बिखरे या बिगड़े तो उस पर वो खामोश रहे, हमेशा जब से मैंने होश संभाला या मेरे बुज़ुर्गों ने भी देखा है कि पाकिस्तान के अंदर ना कभी कोई पूरे मन एहतजाज करते हैं या अपनी आवाज़ उठाते हैं, लोग सफ़र करते रहते हैं, लेकिन ये कि वो या उनके अंदर बर्दाश्त बहुत ज़्यादा है या ये भी नहीं कह सकते उनको लीड करने वाला कोई नहीं। पहले ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की सूरत में एक उनको पॉपुलर लीडर मिला, फिर बेनज़ीर भुट्टो आई और नवाज शरीफ भी कहीं ना कहीं ज़ाहिर पाकिस्तान में काफ़ी पॉपुलर रहे हैं, अब इमरान खान भी हैं। ये भी नहीं कह सकते कि लोगों के पास कोई लीडर भी नहीं है कि जो लोगों को आगाही दे कि आपके क्या राइट्स हैं या क्या हकूक हैं। तो बहरहाल मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो बजट भी देख रहे हैं, फिर वो तजिया नगार उनको बताते भी हैं कि ये इस तरह का बजट है कि आपके ऊपर कर्जे भी हैं, कर्जे वो लिए जा रहे हैं और हालात जो हैं वो संभलते नहीं, महंगाई है, गुर्बत है, सारा कुछ है, कुर्ते भी हैं लोग, तजिए भी देखते हैं, यूट्यूब के ऊपर भी देखते होंगे, फिर वो मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी खबरें लगा के बैठते होंगे, सारा कुछ उनको आगाही भी मिल रही है। एक चीज़ जो है उनकी तरफ से रद्द अमल नहीं आता, जो एक उनका राइट है पूरी दुनिया में। अगर कोई कौम जो है आप देखें कि किसी हुकूमत के फैसले को कबूल नहीं करती तो बड़े पुरमन तरीके से एहतजाज करते हैं और गवर्नमेंट जो होती है उसको वो मैसेज मिल जाता है कि लोगों ने हमारे इस डिसीजन को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैंने इसलिए वो लफ्ज़ चूज़ कर रहा हूँ कि ये 23 करोड़ जो हैं वो भेड़ बकरियाँ हैं, बस जिस तरफ उनको हाँक दो वो उस तरफ को चली जाती हैं। ये एक बड़ा अजीब सा और गैरफितरी सा ट्रेंड है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं पाकिस्तान में। बिजली अफोर्ड नहीं कर सकते, बिल दे ही जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल ना दें या ना करें, लेकिन ऐसे मैं कह रहा हूँ कि कोई चूँचना भी नहीं करते लोग कि कैसे रिएक्शन दें।
तो ये जो मेंटेलिटी है इसको अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं तो ज़रूर इस पर कमेंट करें कि ये क्या है। कई लोग कहते हैं कि जी ये रोज़ी रोटी के चक्कर में लोग फंसे हुए हैं, तो हम शायद कह रहे हैं तो बड़ा आसान है कहना, ये बात नहीं है। मैं एक नेचुरल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा गरीब ममालिक भी दुनिया में हैं, वहाँ भी हमने एहतजाज देखे। पाकिस्तान श्रीलंका देख लें कि वहाँ पर लोगों ने कितना ज़्यादा रद्द अमल का मुजाहरा किया जब उनको पता चला कि एक ख़ानदान जो है वो चिपक कर रह गया उनकी सियासत के नाम के ऊपर। लोगों ने रेड तो किया ना, तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता? तो आई डोंट अंडरस्टैंड दिस मैंटेलिटी कि 23 करोड़ भेड़ बकरियाँ जो हैं उनको हाँकी जा रही हैं और वो हाँकती जा रही हैं। ठीक है जी। सो अगर आपको इस साइकोलॉजिकल मामले के ऊपर कोई बात करनी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, और बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने का, और इस वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि अवेयरनेस देने का जो है वो एक मेन पॉइंट है। और अपना बहुत ख्याल रखें, और अगर अभी तक आपने वाओ टीवी को, जो खुदा के फजल से आपकी इंडिपेंडेंट वॉइस है, इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। बहुत मेहरबानी, गॉड ब्लेस यू।